भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों की बड़ी साजिश, आतंकियों के आका को OIC का समर्थन, कश्मीर को लेकर OIC की बेतुकी राय, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान और POK का जिक्र करके पाकिस्तान की ऐसी नब्ज दबा दी कि वो बौखलाया हुआ पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दुनिया के सभी विकसित और लोकतांत्रिक देशों ने आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को ये कहकर मदद से इनकार कर दिया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुस्लिम देशों का संगठन OIC जरूर कश्मीर के मसले पर बिन मांगी और बेतुकी राय देता नजर आया। मुस्लिम देशों के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर नहीं है। 57 मुस्लिम देशों के इस संगठन के जनरल सेक्रेटरी इयाद मदनी ने नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर सरताज अजीज से बातचीत के बाद कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर के मामले में दखल देना चाहिए। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में अजीज से मुलाकात के बाद मदनी ने कहा, कश्मीर में हालत सुधरने के बजाय हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं, ये जारी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां रेफरेंडम होना चाहिए। भारत की तरफ इशारा करते हुए मदनी ने कहा, आखिर कोई वहां रेफरेंडम से डर क्यों रहा है। मदनी ने कहा कि रेफरेंडम ही एक रास्ता है जिससे इस इलाके में शांति और स्थिरता आ सकती है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल्स के मुताबिक कश्मीर समस्या का हल खोजा जाना चाहिए। मदनी ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का मुद्दा भी उठाया। वहीं भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की वार्निंग दी है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर में अस्थिरता फैलाने से बाज आना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दो टूक कहा कि भारत के सब्र का इंतहाम ना ले, नहीं तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि भारतीय मुसलमान देश की हिफाजत के लिए अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा देंगे, ये बात पड़ोसी वक्त रहते समझ ले। वैसे पाकिस्तान के लिए चेतावनी, फटकार, बेइज्जती, बदनामी जैसे तमगे नए नहीं हैं। भारत के साथ सुपर पावर अमेरिका भी पाकिस्तान और उनके PM नवाज शरीफ को ऐसे तमगों से नवाजता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की दहशतगर्दों की मेहमान नवाजी करने की आदत जाने का नाम ही नहीं ले रही है।